अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं कौपिकावल्लवं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अधिक मास महात्म्य अध्याय तीसरा। श्री गणेशाय नमः। थरथर कापणाऱ्या दीनमदन मनुष्य रूपी व्यक्तीला पाहून श्रीकृष्णाने विष्णूला सर्व माहिती विचारली। त्यावर विष्णूने पुरुषोत्तमाला म्हटले, सर्व 12 महिन्यांना आपापले स्वामी असतात व शुभ कारण ते उचितही असतात, पण या अधिक मासाला काहीच मान नाही। सर्व महिने त्याची चेष्टा करतात, लोक त्याला मलमास म्हणतात, शुभ कार्याला तो वर्ज्य आहे, त्यामुळे तो फारच हीनदीन झाला आणि मला वैकुंठात शरण आलाय। पण याचे दुःख तूच दूर करू शकशील म्हणून मी याला येथे घेऊन आलो आहे, तरी तू याचा उद्धार करावा। श्रीकृष्ण म्हणाला, विष्णू तू हे फार चांगलं केलेस, तू ज्याचा स्वीकार केलास त्याचा मीही स्वीकार करतो। यापुढे या मासाला माझेच नाव म्हणजेच पुरुषोत्तम हे नाव दिले जाईल, याला सर्व महिन्यात श्रेष्ठ करतो, माझे सर्व ऐश्वर मी आत्ताच याला देतो, तसेच हा मज समान होईल आणि पवित्रही मानला जाईल, पूज्य होईल। सर्व महिन्यात लोक स्वार्थाने सकाम उपासना करतात, यज्ञाधिक करतात, स्वर्ग भोगतात, परत जन्माला जातात, पण या महिन्यात जो कोणी सकाम आणि निष्काम भावनेने दानादी व्रते करील त्याचा परिणाम म्हणून माझ्या निजधामास तो प्राप्त होईल आणि त्याला मोक्षही मिळेल। इतकेच नाही तर या मासात जो माझी पूजा करेल तो भक्तही मजलाच प्राप्त होईल। जे लोक याचा तिरस्कार करतील त्यांना अत्यंत दुःख प्राप्त होईल आणि जे स्नान दान उपोषण व्रते नामस्मरण पूजन इत्यादी सत्कर्मे या मासात करतील त्यांना महत भाग्य प्राप्त होईल। श्रीकृष्णाचा असा वर मलमासाला प्राप्त झाला तेव्हा विष्णू परत त्याला घेऊन वैकुंठात आला आणि अधिक मासाला त्याने वैकुंठात राहावयास स्थान दिले, असे सांगून श्रीकृष्ण पांडवांना म्हणाला, तुम्ही वनवासात आल्यापासून पुरुषोत्तम मास एकदा दोनदा येऊन गेला, पण तुम्ही दुःखात असल्यामुळे तुम्हाला त्याची आठवण झाली नाही। तुम्ही जर या मासात व्रत केले असते तर तुमचे दुःखही टळले असते। तसेच द्रौपदीच्या बाबतीत पूर्वजन्मी जी घटना काही घडली त्यामुळेही तिला दुःख प्राप्त झाले आहे, ते चरित्र मी तुम्हाला सांगतो, असे म्हणून कृष्णाने पुढे सांगण्यास सुरुवात केली। आता आपण विष्णूची पुढील नावे घेऊया। ओम सत्तायै नमः, ओम सद्भूतये नमः, ओम सत्परायणाय नमः, ओम शूरसेनाय नमः, ओम यदुश्रेष्ठाय नमः, ओम सन्निवासाय नमः, ओम सुयामुनाय नमः, ओम भूतावासाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सर्वासु नीलयाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम दर्पघ्ने नमः, ओम दर्पदाये नमः, ओम दृप्ताये नमः, ओम दुर्धराये नमः, ओम अपराजिताये नमः, ओम विश्वमूर्तये नमः, ओम महामूर्तये नमः, ओम दीप्तमूर्तये नमः, ओम अमूर्तिमते नमः, ओम अनेकमूर्तये नमः, ओम अव्यक्ताये नमः, ओम शतमूर्तये नमः, ओम शताननाय नमः, ओम एकस्मै नमः, ओम नैकाय नमः,
ओम सवाय नमः, ओम काय नमः, ओम कस्मै नमः, ओम यस्मै नमः, ओम तस्मै नमः, ओम पदायानुत्तमत्ताय नमः, ओम लोकबंधवे नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सुवर्णवर्णाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम वरांगाय नमः, ओम चंदनांगदीने नमः, ओम विरग्ने नमः, ओम विषमाय नमः, ओम शून्याय नमः, ओम घृताशीषे नमः, ओम अचलाय नमः, ओम चलाय नमः, ओम अमानिने नमः, ओम मानदाय नमः, ओम मान्याय नमः, ओम लोकस्वामिने नमः, ओम त्रिलोकदृशे नमः, ओम सुमेधसे नमः, ओम मेधजाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम सत्यमेधसे नमः, ओम धराधराय नमः, ओम तेजोवृषाय नमः, ओम श्रुतिधराय नमः, ओम सर्वशस्त्रभृतांबराय नमः, ओम प्रग्रहाय नमः, ओम विग्रहाय नमः, ओम निग्रहाय नमः, ओम नैकशृंगाय नमः, ओम गदाग्रजाय नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम चतुर्बाहवे नमः, ओम चतुर्मुख्याय नमः, ओम चतुर्गतये नमः, ओम चतुरात्मने नमः, ओम चतुर्भावाय नमः, ओम चतुर्वेदविदे नमः, ओम एकपदे नमः, ओम समावर्ताय नमः, ओम अनिवृत्तात्मने नमः, ओम दुर्जयाय नमः, ओम दूरत्रिक्रमाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम दुर्गमाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दूरावासाय नमः, ओम दूरारिघ्ने नमः, ओम शुभांगाय नमः, ओम लोकसारंगाय नमः, ओम सुतंतवे नमः, ओम तंतुवर्धनाय नमः, ओम इंद्रकर्मणे नमः, ओम महाकर्मणे नमः, ओम कृतकर्मणे नमः, ओम कृतागमाय नमः, ओम उद्भवाय नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम सुंदाय नमः, ओम रत्ननाभाय नमः, ओम सुलोचनाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम आजसनाय नमः, ओम शृंगिणे नमः, ओम जयंताय नमः, ओम सर्वविज्ञयिने नमः, ओम सुवर्णबिंदवे नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः, ओम महारुधाय नमः, ओम महागर्ताय नमः, ओम महाभूताय नमः, ओम महानिधये नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम कुंदराय नमः, ओम कुंदाय नमः, ओम पर्जन्याय नमः, ओम पावनाय नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम अमृताशाय नमः, ओम अमृतवपुषे नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सर्वतोमुखाय नमः, ओम सुलभाय नमः, ओम सुव्रताय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम शत्रुजीते नमः, ओम शत्रुतापनाय नमः, ओम न्यग्रोधाय नमः, ओम उदुम्बराय नमः, ओम अश्वत्थाय नमः, ओम चाणुरांध्र निशूधनाय नमः, ओम सहस्रार्चीषे नमः, ओम सप्तजिह्वाय नमः, ओम सप्तैधसे नमः, ओम सप्तवाहनाय नमः, ओम अमूर्तये नमः, ओम अनयाय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम भयकृते नमः, ओम भयनाशनाय नमः, ओम अणवे नमः, ओम बृहते नमः, ओम कृशाय नमः, ओम स्थूलाय नमः, ओम गुणभृते नमः, ओम निर्गुणाय नमः, ओम महते नमः, ओम अधृताय नमः,
ओम स्वधृताय नमः, ओम स्वास्याय नमः, ओम प्रागवंशाय नमः, ओम वंशवर्धनाय नमः, ओम भारभृते नमः, ओम कथिताय नमः, ओम योगिने नमः, ओम योगीशाय नमः, ओम सर्वकामदाय नमः, ओम आश्रमाय नमः, ओम श्रमणाय नमः, ओम क्षामाय नमः, ओम सुपर्णाय नमः, ओम वायुवाहनाय नमः, ओम धनुर्धराय नमः, ओम धनुर्वेदाय नमः, ओम दंडाय नमः, ओम दमयित्रे नमः, ओम दमाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम सर्वसहाय नमः, ओम नियंत्रे नमः, ओम अनियमाय नमः, ओम अयमाय नमः, ओम सत्ववते नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः, ओम अभिप्रायाय नमः, ओम प्रियार्हाय नमः, ओम अर्हाय नमः, ओम प्रियकृते नमः, ओम प्रीतिवर्धनाय नमः, ओम विहायसगतये नमः, ओम ज्योतिषे नमः, ओम सुरुचये नमः, ओम हुतभुजे नमः, ओम विभवे नमः, ओम रत्नये नमः, ओम विरोचनाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रविलोचनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम हुतभुजे नमः, ओम भोक्त्रे नमः, ओम सुखदाय नमः, ओम नैकजाय नमः, ओम अग्रजाय नमः, ओम अनिर्विण्णाय नमः, ओम सदामर्षिणे नमः, ओम लोकधिष्ठानाय नमः, ओम अद्भुताय नमः, ओम सनाते नमः, ओम सनातनतनाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कपये नमः, ओम अप्ययाय नमः, ओम स्वस्तिदाय नमः, ओम स्वस्तिकृते नमः, ओम स्वस्तिघ्ने नमः, ओम स्वस्तिदक्षिणाय नमः, ओम स्वस्तिभुजे नमः, ओम अरुद्राय नमः, ओम कुंडलिने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम विक्रमिणे नमः, ओम ऊर्जिताशासनाय नमः, ओम शब्दातिगाय नमः, ओम शब्दसहाय नमः, ओम शिशिराय नमः, ओम शर्वरीकराय नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम पेशलाय नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम दक्षिणस्य नमः, ओम क्षमिणांवराय नमः, ओम विद्वत्तमाय नमः, ओम वीतभयाय नमः, ओम पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः, ओम उत्तारणाय नमः, ओम दुष्कृतिघ्ने नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम दुःस्वप्ननाशनाय नमः, ओम वीरघ्ने नमः, ओम रक्षणाय नमः, ओम सद्गतये नमः, ओम जीवनाय नमः, ओम पर्यवस्थिताय नमः, ओम अनंतरूपाय नमः, ओम जितमन्यवे नमः, ओम भयापहाय नमः, ओम चतुरस्त्राय नमः, ओम गभीरात्मने नमः, ओम विदिशाय नमः, ओम व्याधिशाय नमः, ओम दिशाय नमः, ओम अनादये नमः, ओम भूर्भुवे नमः, ओम लक्ष्म्यै नमः, ओम सुवीराय नमः, ओम रुचिरांगदाय नमः, ओम जननाय नमः, ओम जनजन्मादये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भीमपराक्रमाय नमः, ओम आधारनिलयाय नमः, ओम अधात्रे नमः, ओम पुष्पहासाय नमः, ओम प्रजायराय नमः, ओम ऊर्ध्वगाय नमः, ओम सत्पथाचाराय नमः, ओम प्राणदाय नमः, ओम प्रणवाय नमः, ओम पणाय नमः, ओम प्रमाणाय नमः, ओम प्राणनीलयाय नमः, ओम प्राणभृते नमः, ओम प्राणजीवनाय नमः, ओम तत्वाय नमः, ओम तत्वविदे नमः,
ओम एकात्मने नमः, ओम जन्म मृत्यु जरा तिगाय नमः, ओम भूर्भुव स्वस्थ रुस्तवे नमः, ओम ताराय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम प्रपितामहाय नमः, ओम यज्ञाय नमः, ओम यज्ञ तपसे नमः, ओम यजवने नमः, ओम यज्ञांगाय नमः, ओम यज्ञवाहनाय नमः, ओम यज्ञभृते नमः, ओम यज्ञकृते नमः, ओम यज्ञिने नमः, ओम यज्ञभुजे नमः, ओम यज्ञसाधनाय नमः, ओम यज्ञान्तकृते नमः, ओम यज्ञगुह्याय नमः, ओम अन्नाय नमः, ओम अन्नादाय नमः, ओम आत्मयोनये नमः, ओम स्वयं जाताय नमः, ओम वैखानाय नमः, ओम सामगायनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम स्रष्टे नमः, ओम क्षितिशाय नमः, ओम पापनाशनाय नमः, ओम शंखभृते नमः, ओम नंदकीने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम शार्ङ्गधन्वने नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम रथांगपाणये नमः, ओम अक्षोभ्याय नमः, ओम सर्वप्रहरणायुधाय नमः। इति श्री विष्णु सहस्त्रनामावली संपूर्ण। उद्याच्या भागात आपण अध्याय चौथा आणि श्री सूक्त पाहणार आहोत। धन्यवाद। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं कौपीकावलं।